अरे तुम यहाँ बैठी हो? क्या बात है सनी, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। घबराया हुआ नहीं हूँ, बल्कि एक्साइटेड हूँ। एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप दोनों ही उछल पड़ेंगे। अरे जल्दी सुनो बेटा, क्या बात है? बोलो भी। किट्टू का पता चल गया है। What? क्या बोल रहे हो सनी, वो कहाँ है? वो मुन्ना के पास है, मैं अभी अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। क्या उसने तुम्हें पहचाना नहीं? वो मुन्ना के पास है, उसकी याददाश्त चली गई है। बस देखना यह है कि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आए। और एक बात, अगर किट्टू वहां तारा बनकर रह रही है, इसका मतलब तारा और मुन्ना में बहुत गहरा संबंध है। हमें ये सोचना होगा कि तारा मुन्ना तक ना पहुंचे। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है बिटिया? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जैसा कि हमें लग रहा है, तारा की नीयत कुछ बदल रही है। इसीलिए अगर उसे कुछ भी किट्टू के बारे में पता चल गया तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों सनी, तुम क्या कहते हो? बात तो तुम्हारी भी ठीक हो सकती है। इसके लिए हमें बड़ी सावधानी से कदम उठाना होगा। अगर उसकी मुन्ना से जान पहचान है तो वहां कभी भी जा सकती है, और वहां जाने से हमें उसे रोकना होगा। क्या बात कर रहे हो काका, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहां जा रही है? यही तो, बस हमें सिर्फ उसकी निगरानी करनी होगी, और अगर वो मुन्ना से मिलने जाती है तो हमें उसे फौरन रोकना होगा। सनी, काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उसकी निगरानी करनी होगी। फिर तो ये काम सिर्फ कुंदन ही कर सकता है। सनी, हमें तुम्हारे उस कुंदन पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। प्लीज पीहू, निगरानी वो ठीक करता है। सरकार कुंदन, सन्नी। हाँ बोले सरकार। चिड़िया मुन्ना के कब्जे में है। क्या बात कर रहे हैं सरकार, आप तो जानते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तुम उसकी फिक्र मत करो, वहां तक हमारी पहुंच है। जी सरकार, हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप बहुत ऊंची सरकार है ना। सरकार आप हमको यही बताइए कि करना क्या है, और इस बार कोनो गलती नहीं होगी। ध्यान से सुन, तारा रारा की निगरानी करनी है, हम नहीं चाहते कि वो मुन्ना तक पहुंचे। अब एक का बात हुई सरकार, इस तारा रारा की निगरानी काहे करनी है? सवाल मत कर, जानता ना मैं कौन हूँ। एक बार छोड़ दिया, दोबारा क्या कर सकता हूँ तू अच्छी तरह जानता है। जी गलती हो गई, इस तारा रारा कहाँ मिलेगी हमको? वहीं जहाँ चिड़िया रहती थी। क्या? ओह अच्छा अच्छा, अब हम सारा मामला समझ गए हैं सरकार। अब आप निश्चिंत रहिए, इतारा रारा मुन्ना तक नहीं पहुंच पाएगी, और अगर इसने कहीं पहुंचने की कोशिश भी की तो रास्ते में ही हलाल कर देंगे। जो कहता हूं वही कर, बस समझा? जी जी सरकार। कोई ना कोई मुसीबत तो आ ही जाती है, अभी किट्टू का पता चला है तो वो तारा बन गई है। ये क्या हो रहा है, हे भगवान। देखो तारा, अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि किट्टू के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले प्लीज मुझे बताना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैम मुझे कुछ नहीं बताएंगी। ठीक कहते हो मन्नू बाबू, वो तुम्हें नहीं बताएगी। भाई जानती है कि तुम किट्टू को लेके उड़नछू हो जाओगे। काश ऐसा हो पाता, लेकिन किट्टू कुछ ज्यादा ही पतिव्रता हो गई है, वो मेरे साथ नहीं जाएगी। तो तुम काहे को अपना दिमाग खराब करता है, उसको मरने तो जहां भी है। देखो तारा, मैं कोशिश करके देखना चाहता हूँ, शायद वो मेरे साथ जाने के लिए मन जाए। साला बेवकूफ। मन्नू बाबू, अपन बाई से जानकारी
तुमको दे और तुम किट्टू के आगे अपने प्यार की भीख मांगो और वो महारानी अपने पति के पास वापस चली जाए। अपुन साली तुम लोगों के बीच में बेवकूफ बन जाएगी। सारे ऐशो आराम छोड़ के तुमने क्या अपुन को पागल समझा है? अपुन तुमको कुछ नहीं बताएगी। ओके ओके तारा, देखो मेरे पास एक प्लान है। मैं तुम्हें प्रणव देता हूं, तुम मुझे किट्टू दो। तुम अपुन को प्रणव क्या देगा रे? वो तो पहले से ही चपुन के पास है। अब अपुन एक बात बोलती है, अपुन तुमको किट्टू का पता देगी और तुम उसको अपुन की और प्रणव की जिंदगी से इतनी दूर ले जाएगा कि वो कभी वापस ना आए। मंजूर है। ज्यादा खुश मत हो, आगे सुन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपुन तेरे को ऐसा फंसाएगी कि तू कभी किसी की जिंदगी में वापस नहीं आ पाएगा। अब बोल हाँ कि ना। हाँ बिल्कुल हाँ। क्या बात है, बकरा खुद ही कटने को तैयार है। चल तारा शुरू हो जा, किट्टू को जहां पहुंचाना है उसमें देर मत कर। इस बार हमें अपने कदम बहुत फूक फूक कर रखने होंगे। बिटिया मुझे लगता है कि तुम अपने जाल में खुद ही फंसती जा रही हो। अब खत्म करो इस खेल को भाई तुम लोग। काका ठीक करे मियो, इसमें हमारा बिजनेस सफर कर रहा है। प्लीज हमें सोचने दो, आप दोनों हमें परेशान मत करो। हेलो, कैसी हो जाने मन? कौन हो तुम और क्यों तुम हमें बार बार फोन कर रहे हो? कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं, मैं हूं तुम्हारा दीवाना, जन्म जन्म से तुम्हारा दीवाना। बस यही बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तड़प रहा हूं मैं तुम्हारे बिना। Shut up, you idiot! और अगर तुमने हमें दोबारा फोन किया ना तो हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। कौन है पियू? पता नहीं सनी, कुछ पागल है। पागल नहीं, दीवाना, तुम्हारा दीवाना। ला मुझे फोन दो। नहीं 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 जाने मन, उसे फोन मत देना। बहुत नफरत करता हूं उससे मैं। देखो तुम उसे छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, तुम मेरी बाहों में समा जाओ। सपने देख रहे हो? मैं बहुत तड़प रहा हूं और तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे सपनों को हकीकत बनाना अच्छी तरह से आता है। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। मैं आ रहा हूं। Shut up, you idiot! ला मुझे फोन दो। Hey, कौन है? सामने आ। हेलो हेलो। काट दिया। किसका फोन था बेटा? पता नहीं काका, इसने पहले भी हमें एक दो बार कॉल किया था पर तब हमने उतना गौर ही नहीं किया, पर अब तो ये हमें बहुत तंग करने लगा है। बिटिया अब किसका फोन आया ना? बिल्कुल इससे बात मत करना, मुझे फोन देना। काका हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या आफत आ गई है। नहीं नहीं बिटिया तुम बिल्कुल मत घबराओ, बेटा चिंता मत करो, पता लगाएंगे किसका फोन है, बिल्कुल चिंता मत करो। दीवाना, हमारा दीवाना, पागल दीवाना। Oh